नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी गुनियाल। इस वक्त मैं पहुंची हुई हूं ठोडा नृत्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव में, यहां पर की बंटी राणा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि खटीमा से यहां पर आए हुए हैं। आज उन्होंने जो है अपनी एक सुंदर प्रस्तुति यहां पर दी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद, मैं संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपने जो परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पर, उसके बारे में ही जानना चाहेंगे कि वो उसमें क्या चीज़ें खास है, क्या चीज़ें जो है आपके कल्चर को औरों के कल्चर से अलग बनाती है। सबसे पहले तो मैं हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आप लोगों ने जो ये नृत्य देखा, कहीं ना कहीं उनकी बहुत मेहनत है इस हमें यहाँ तक लाने में, और उनका गृह क्षेत्र भी खटीमा ही है। तो इस नृत्य के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने जो जो नृत्य दिए, एक तो झिझी नृत्य दिया, एक होली और दूसरा कुंजा। पहले किस प्रकार से कुएं से पानी लोग भर के अपने आजीवन को चलाते थे, और होली नृत्य जो कि फागुन के महीने में थारू समाज में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और झिझी नृत्य जब नई फसल आ जाती थी कुंवर व भादव के महीने में, इस त्यौहार को बड़ी हर्षोल्लास के साथ थारू जनजाति के लोग मनाते थे। ये सारी परंपराएँ कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के तक प्रयासों से जो कि गांव-गांव में उन्होंने जो थारू संस्कृति के जो परिधान थे उनको उन्होंने दिया, और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत अहम हाथ है। और मैं पुनः सभी को ठोडा नृत्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ठोडा नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो कि हमारे जौनसार के प्राचीनतम लोक नृत्यों में से एक है, जो कि हमारे पांडव से चले आ रहे हैं ये नृत्य। मुझे तो आज ही पता चला कि ऐसा भी एक नृत्य था इनका, तो बहुत बहुत सभी को बधाई है। मतलब हम ये माने कि जो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनसे हमारी विलुप्त होती हुई संस्कृति जो है आज कहीं ना कहीं जो है फिर से उजागर हो रही है। जी जी बिल्कुल, और अगर ऐसे लगातार हमारे मंच अगर लगते रहें तो कहीं ना कहीं हमारी जो लोक संस्कृति विलुप्त हो रही है वो अवश्य विलुप्त होने से बचेगी, क्योंकि आने वाले भविष्य हमारी संस्कृति हमारी विरासत को पहचाने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, आज जो है हम देखते हैं कि जो कलाकार भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं उनको भी एक मंच जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है, और अपनी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।